डॉली किचन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएं। हेलो एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। आज मैं स्पेशल भिंडी बनाने जा रही हूँ बिना प्याज के। आपने भिंडी तो बहुत खाई होगी, पर ऐसी भिंडी नहीं खाई होगी जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी और सिर्फ 5 मिनट के अंदर तैयार हो जाती है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसे बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है भिंडी मसाला बहुत ही स्पेशल तरीके से। इस बिना प्याज की मसाला भिंडी को बनाने के लिए हमने ये भिंडी ली है 250 ग्राम। इस भिंडी को हमने अच्छे से धो लिया है, धो के अच्छे से सुखा लिया है। इसके अंदर आप देख रहे हैं बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो इसे हमने साफ कर लिया। तो अब हमने इसको करना क्या है, हमने इसके आगे और पीछे के हिस्से को कट कर लेना है और सेंटर में हमने इसके कर देने हैं 2 पार्ट। इसी तरह से हमने सारी भिंडी के 2 पार्ट कर लेने हैं। बहुत बड़ी है तो आप 3 भी कर सकते हैं, वरना 2 ही सफिशियंट है। आप देख रहे हैं ये हमने भिंडी काट लिया। इसे काटने में हमें 1 मिनट भी नहीं लगा, बहुत ही इजी है इसको काटना। हमने 2-2 पीस करे हैं इसके। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। इसे हम बनाते हैं किस तरह से। हमने एक कढ़ाई को गैस पे रख दिया है, तो इसके अंदर हम डालेंगे सरसों का तेल। मैंने नॉनस्टिक कढ़ाई ली है, आप सिंपल भी ले सकते हैं। इसके अंदर मैंने 3 चम्मच तेल डाला है सरसों का। सरसों के तेल को थोड़ा सा गर्म होने दें। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम डालेंगे हल्की सी चुटकी भर नमक, जिससे कि तेल की स्मेल ना आए। हमने बहुत ज्यादा तेल को नहीं मिलाया। इसके अंदर हम डालेंगे 1 हरी मिर्च और साथ में हम डाल देंगे भिंडी। भिंडी हमारी फ्राई हो रही है, इसके ऊपर हम डाल देंगे 1/2 नींबू का रस। इसे फ्राई करने में हमें 1.5 से 2 मिनट लगे हैं। भिंडी हमारी फ्राई हो चुकी है और फ्लेम हमने बिल्कुल लो कर दिया है। इस भिंडी को हम निकाल लेंगे। तेल हमारा गर्म है, इस तेल के अंदर हम थोड़ी सी डालेंगे हींग। 1 छोटा चम्मच हम डाल देंगे जीरा। इसे थोड़ा सा फ्राई होने दें। आप देख रहे हैं जीरा हमारा भुना जा चुका है और हींग भी हमारी फ्राई हो चुकी है। इसके अंदर हम डाल देंगे 2 टमाटर, ये मैंने बारीक कटे हैं, और मैं इसके अंदर प्याज नहीं डाल रही, बिना प्याज के ये भिंडी तैयार कर रही हूँ। इसके साथ ही हमने डाल देना है 1/2 चम्मच नमक। नमक हम बहुत ही कम डालेंगे क्योंकि इसके अंदर नमक ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच देगी लाल मिर्च। ये देगी मिर्च है, ये कड़वी नहीं होती, सिर्फ इसका कलर आता है। ये 1 चम्मच है धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला। 1 मिनट के लिए इसे मसालों के साथ भून लें टमाटर को। 1 मिनट हो गया है, टमाटर के साथ हमारे मसाले जो हैं पूरी तरह से भुने जा चुके हैं, और अब इसके अंदर हम डाल देंगे भिंडी। 3 मिनट हुए हमें टोटल, और 2 से 3 मिनट हमें और लगेंगे। इसे हम लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए ढक देंगे। 2 मिनट हो गए हैं, हम इसे देख लेते हैं। आप देख रहे हैं कि भिंडी जो है हमारी पूरी तरह से बनके तैयार है। कितनी अच्छी है मसाला भिंडी बनके तैयार हुई है। फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और थोड़ा सा हम इसके ऊपर डाल देते हैं धनिया। ये हमने हरा धनिया डाला है। उम्मीद है आपको ये भिंडी बहुत ही पसंद आएगी। इसे बनाने में हमें टोटल 5 मिनट लगे हैं और इसको बनाना बहुत ज्यादा ईजी है और बिना प्याजों के बनी है। अक्सर लोग बहुत से कमेंट करते हैं कि हमें बिना प्याज के भिंडी बना के बताओ। बिना प्याज के भिंडी बनती नहीं है, बट भिंडी बिना प्याज के भी बहुत ज्यादा टेस्टी बन सकती है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप इसे ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी, भिंडी बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगी। आप इसे ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।